Nora here straight. मैं मोना डार्लिंग देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन थोड़ी डरी भी हूँ क्योंकि मुझे ये सारे ऐसे थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री से बहुत डर लगता है, क्योंकि बेसिकली मैं बहुत बड़ी डरपोक हूँ लाइफ में. बट अंशुमन जो इस फिल्म के युवा प्रोड्यूसर हैं, मेरे दोस्त हैं, मैंने उनके साथ काम भी किया है, और संजय सूरी सर को मैं बहुत एडमायर करती हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, और उन्होंने नीलबट्टे सन्नाटा में एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस भी किया था, बहुत ही प्यारा सा. सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड उनकी फिल्म देखने के लिए. सर, फिल्म एक सोशल मीडिया के ऊपर आधारित है, आपके साथ में कभी कोई ऐसी घटना कुछ ऐसा रहा है, कुछ कोई कहानी या कोई इंसिडेंट? मतलब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मुझे सोशल मीडिया पे रोज़ गालियाँ पड़ती हैं और एक दो बार डेथ थ्रेट भी आ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा थैंकफुली अभी तक कोई सीरियस बर्बादी नहीं छाई है मेरे ऊपर सोशल मीडिया में. लेकिन मुझे अब लग रहा है कि ये फिल्म देखने के बाद मैं शायद अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना चाहूँ. ओके, फिल्म के अंदर नई कास्ट है, तो क्या कहना चाहेंगी आप उनसे? आई थिंक आई मीन डेफिनेटली बेस्ट लक बोलना चाहूँगी, बट मुझे लगता है कि किसी भी फिल्म में नई कास्ट हमेशा बहुत एक्साइटिंग होती है देखने के लिए, क्योंकि आई थिंक बॉलीवुड आज के ज़माने में बहुत ओपन हो गया है नए टैलेंट के लिए. एंड आई थिंक कि जो बॉलीवुड का नया टैलेंट है, जैसे कि मैं थी कुछ साल पहले, वो बहुत ही फ्रेश और अच्छी पर्सपेक्टिव ला रहा है बॉलीवुड में. आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट का लुक तो आ गया है सबके सामने, एवरीवन इज प्रेजिंग इट, और कल लॉन्च भी है. जी, आई होप आप सब कल भी आएंगे यहाँ बाय द वे लाइट्स लेकर. आई एम वेरी एक्साइटेड अनारकली ऑफ आरा को लेकर, मेरी आने वाली फिल्म जो 24 मार्च को रिलीज़ हो रही है, कल उसका ट्रेलर लॉन्च है. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बट नर्वस भी हूँ, क्योंकि आई होप कि अच्छा रिएक्शन हो, लोगों को ट्रेलर पसंद आए. आई होप, बिकॉज ऐसी फिल्मों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रेलर इतना आकर्षक हो कि लोगों को थिएटर तक खींच लाए. थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गया था, कमाल खान ने भी कमेंट कर दिया था, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगी, वो भाई बड़े लोग हैं, वो जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं. उसमें और कुछ मुझे जो कहना था मैंने ट्विटर पे कह दिया, उसको लेके बवाल भी हो गया. आई थिंक वो इशू अब ख़त्म हो चुका है. थैंक यू सो मच मैडम.